नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन प्राइम न्यूज में। मैं आपके साथ विजय यादव। मेरठ जली कोठी में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की पुष्टि के बाद सील करने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम व पुलिस पर दरी वाली मस्जिद के सामने गली से पथराव कर दिया। पथराव में सिटी मजिस्ट्रेट और एसओ देहरी गेट घायल हो गए हैं। पुलिस पर पथराव की सूचना से प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। मौके पर कई थानों का फोर्स और आरएफ को भी बुला लिया गया है। पथराव इतना जबरदस्त था कि एक बार की तो पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा। पूरा इलाका उपद्रवियों के हवाले हो गया। उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों को दूर तक दौड़ाकर पथराव किया। देखिए मेरठ की खास रिपोर्ट। मामला थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के जली कोठी का है, जहां पर गत शुक्रवार को 3 कोरोना पॉजिटिव जमाती मिले थे। उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम आज पुलिस के साथ दरी वाली मस्जिद के पास वाली गली को क्वारंटाइन करने पहुंची थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इसे हॉटस्पॉट बनाया था। इसके बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे इलाके को सील करने गई थी। पुलिस के साथ प्रशासन की टीम भी मौजूद थे। एरिया को सील करने के लिए पुलिस बल्ली लगा रही थी, तभी कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसे लेकर भगदड़ मच गई। एक पत्थर सिटी मजिस्ट्रेट सत्येंद्र सिंह और एसओ देहली गेट रविंद्र सिंह के हाथ में लगा, जबकि पत्थर लगने से दरोगा मुकेश घायल हो गए। पुलिस पर हमले की सूचना पर आसपास थाना क्षेत्रों की पुलिस बुलाई गई। एसपी सिटी डॉक्टर एएन सिंह आरएफ के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं। एरिया को सील कराने की प्रक्रिया जारी है, साथ ही पथराव करने वाले उपद्रवियों की धरपकड़ भी की जा रही है। सीओ दिनेश चंद्र शुक्ला ने बताया कि ये लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। पथराव करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है, सभी के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। ऐसे लोगों को चिन्हित कर राजकाल लगाई जाएगी। मेरठ से शुभम शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ जमातियों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई थी, रात उन्हें क्वारंटाइन करा लिया गया है। आज पुलिस के ऊपर जो पथराव किया गया, क्या वजह थी? आज ज्यादा कुछ नहीं, कुछ लोग इसमें अफवाह फैल गई थी कि कुछ लोग और इसमें सारी चीजों का है, तो उसमें तुरंत सब नियंत्रण में है। पुलिस जो भी है उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है, उनका इलाज चल रहा है और जो भी है कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। और जो भी उपद्रवी तत्व हैं, अगर कोई इस तरह से करेंगे उनके विरुद्ध जो भी नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट है और एक दरोगा भी घायल हुए, पुलिस तो क्या ज्यादा चोट है उनको? नहीं नहीं, थोड़ा बहुत है जैसे जो भी है, तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजों को मुकदमा लिख के और जो भी होगा उनके चिन्हित करके उनको सख्त गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि पुलिस के सामने पथराव हुआ, हम लोग भी थे, पत्रकार भी थे, अचानक पत्थर हुए, एक दो पत्थर अभी आ गया था इसमें, ये कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, एक दो पत्थर आ गए थे। तो बता तो रहे हैं कि इसमें हम लोग दबिश कंटिन्यू चल रही है और इसमें दबिश में जो भी नाम चिन्हित होंगे उनको गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मानवता की लड़ाई है, कोई किसी एक व्यक्ति का विशेष नहीं है। पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी सारे लोग हम लोग रोड पे हैं कि सब लोग सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, कैसे कोई बीमार ना हो, तो उसी लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं और पूरी तरीके से कड़ी कार्रवाई हम लोग करके करेंगे। ठीक है सर, जो आज सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए टीम गई थी, क्या क्या पूरा मामला रहा और प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए ऐसा है, ये हमारे यहाँ पे जो है 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसको एम्बुलेंस मोबाइल पीछे संबंधित दरोगा साथ गए थे। पेशेंट को जब वापस एम्बुलेंस में बैठा के जा रहे थे, उसके बाद कुछ भीड़ वहाँ पे आई जो उत्तेजित हो गई और उसमें कुछ जो है हमले टाइप का हुआ, जिसमें जो है सिटी मजिस्ट्रेट घायल भी हुआ। इसमें हम लोग तक कार्रवाई कर रहे हैं, जो लोग भी कानून को हाथ में ले रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हम लोगों को बार बार लोगों को यही समझा रहे हैं कि अगर हम इन कोरोना पॉजिटिव को आइसोलेट नहीं करेंगे तो ये पूरे शहर में जहाँ जहाँ जिसके संपर्क में आएंगे उनमें फैलाएंगे, ये बताया जा रहा है और इनसे सख्ती से निपटा जा रहा है। क्या डीएम साहब, इलाके को सील कर दिया गया है या अभी आगे कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, इलाके को सील कर दिया गया है और उसी कार्रवाई के दौरान ही वो लोग वहाँ गश्त पे गए थे जिसमें ये घटना हुई। जिन्होंने ये जो घटना दी है उनको अंजाम दिया है, उनके खिलाफ किस तरह किन धाराओं में कार्रवाई की, किस तरह की? देखिए अभी जो है हम लोगों ने जो है हमारा डीएसटी मैनेजमेंट एक्ट है, उसके अंतर्गत भी एफआईआर दर्ज होगी। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और भी लोगों को समझाया जा रहा है और अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी अगर कुछ होगा तो एनएससी